क्योंकि उसके फोन्स काफ़ी कम दाम में मिलते हैं इंडिया में और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस रहते हैं उस फ़ोन के। तो आज मैं एक ऐसी अजीम शख्सियत से आप लोगों को मिलाने वाला हूँ जिन्होंने रियलमी के साथ 2 साल गुजारे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं उस अजीम शख्सियत के घर और उससे पहले हमें जाना है कपड़े बदलने। चुके हैं बरी खाला में क्या, और अब हम आपको उन शख्सियत से मिलाएंगे जो 2 साल से रियलमी के यूजर हैं। इकबाल भाईजान ये हैं मेरे इकबाल भाई और इन्होंने 2 साल से रियलमी के कंटिन्यूस यूज़र हैं। इनसे बात करेंगे इनका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहा इन 2 साल में। इकबाल भाई जी तो कैसा रहा, आपको इस फ़ोन में क्या पसंद आया इन 2 साल में सबसे ज़्यादा? फ़ोन जो है 2018 का फ़ोन है और जस्ट लॉन्च है, 2018 का जस्ट लॉन्च है रियलमी 1। हाँ जो मॉडल है रियलमी 1 मॉडल है, इसकी 2 सबसे बड़ी स्पेशलिटी है जो इसका इंटरनल मेमोरी 128 GB और तो 2 कैमरा जो फ्रंट और बैक है, उसमें से आपको कौन सा कैमरा का एक्सपीरियंस ज़्यादा, मतलब किसकी फ़ोटोज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी? इसका जो फ्रंट कैमरा है वो फार बेटर है इसके रियर कैमरा से, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा है उसमें किसी तरह का रिजोल्यूशन ब्रेक होने का मामला नहीं होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इसका फ्रंट कैमरा, पिक्चर क्लियरिटी रहती है और नाइट मोड में भी अगर आप यूज़ करते हैं तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और 2 साल में इसका बैटरी जो यूज़ हुआ 2 साल में इसका, तो अब अगर आप इसको फुल चार्ज करते हैं तो आप कितनी देर तक इसको यूज़ कर पाते हैं? बैटरी के बारे में तो किसी तरह की कोई कंप्लेन आप कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा कि इतना पुराना मोबाइल हो करके भी अगर आप इसको 1 घंटे फुल चार्ज कर लेते हैं, 1 घंटे का फुल चार्ज है इसका, तो आराम से आप 24 घंटा सारा फंक्शन, चाहे आप वीडियो देख रहे हो चाहे आप गेमिंग, हर काम जो आप जो नॉर्मल डेज में करते थे शुरू से वो अभी भी आप कर सकते हैं। तो मतलब 1 घंटे के चार्ज में ये 2 साल के बाद भी 24 घंटे का बैकअप देता रहा है, बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा हुआ इसका। और इसका डिज़ाइन आपको कैसा लगा, मतलब ये जब लॉन्च हुआ था, आपके पास रियलमी 1 है, जब ये लॉन्च हुआ था आपने तभी इसको ख़रीदा था और आप 2 साल तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बारे में ऐसी क्या बात है कि आप इसको 2 साल तक इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने अपग्रेड नहीं किया या दूसरे फ़ोन्स पे आप नहीं गए, ऐसी क्या बात है इस फ़ोन में? हाँ इस बारे में जो हम बताना चाहेंगे वो है इसका लुक। अच्छा इसका जो लुक है वो आज भी ये ज़रा नहीं कहता है कि भाई हम 2018 के हैं, पुराने मोबाइल हैं, ज़रा भी नहीं कहता है। जो इसका एज है, जो इसका इसकी ब्यूटी है, ये उस टाइम में 2 कलर में लॉन्च हुआ था, मरून बैकग्राउंड में और ब्लू बैकग्राउंड में, डायमंड कट्स के लिए उस टाइम बहुत ज़्यादा जाना जा रहा था, तो मैंने ये जो लिया ये ब्लू बैक, इसका जो बैक है ब्लू है डायमंड कट्स में, तो ये ब्लू बैकग्राउंड है और ये जो कट्स आप देख रहे हैं ये डायमंड कट्स हैं इस पे। तो आपको क्या लगता है ये लोगों को अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, रियलमी ब्रांड ये रिलायबल है कि नहीं आपकी नज़र में? आप 2 साल इसको इस्तेमाल किए हैं और अभी भी जैसा आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है तो उस हिसाब से आप ये रिकमेंड करेंगे कि नहीं? ऑफकोर्स इन 2 सालों में रियलमी ने अपना परफॉर्मेंस जो दिया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है और अब तो ये और भी अपग्रेड हो करके बहुत परफेक्शन के साथ मार्केट में है, इसके जो नए मॉडल्स हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे बैटरी क्वालिटी की बात करें, चाहे कैमरा की बात करें, चाहे रिजोल्यूशन की बात करें, सब में इसने बहुत अच्छा अपना अपग्रेडेशन अभी करा हुआ है। और दूसरा एक और सवाल कि आपके हाथ से कभी ये फ़ोन गिरा है?
हाँ एक बार ये मोबाइल मेरे हाथ से गिरा भी है तो, लेकिन किसी प्रकार का कोई स्क्रैच कोई ब्रेकेज ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब ये फोन गिरने पे भी इतना स्ट्रांग है कि टूटता नहीं है अगर हल्का फुल्का गिरे। हाँ, हल्का फुल्का डैमेज। ऑफ कोर्स अगर ज्यादा जोर से गिर जाए फोन तो जाहिर सी बात है फोन है वो टूट ही जाएगा। बेड हाइट पे, बेड हाइट पे से गिरने पे नहीं टूटता है। तो बेड हाइट से गिरने के बावजूद भी फ़ोन बहुत स्टर्डी है और फ़ोन बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। 2 साल में आप अब तक इसको इतना इस्तेमाल किए, 2 साल तक, तो स्टोरेज का आपको स्टोरेज की कभी दिक्कत आई क्या इस मोबाइल में? सवाल ही नहीं उठता है स्टोरेज की दिक्कत आने का। अच्छा, क्योंकि ये हमने इसीलिए लिया ही था कि इसका जो स्टोरेज है, जैसा कि हमने वो शुरू में कहा भी कि 128 है जी। तो आप सुन भी रहे होंगे हर तरफ के एंड्रॉयड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जी, वो स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है, और उसका जो चाहे वो वीडियो से हो जाए चाहे गेम्स इस तरह से। तो उस तरह से हमारा मोबाइल भी यूज़ हो रहा है, हमने इसको 2 साल से यूज़ करा ही, अभी भी कर रहे हैं, तो उस तरह कोई दिक्कत एटलीस्ट अभी तक तो नहीं आई है कि भाई योर मोबाइल इज फुल ऐसा कर। तो मतलब स्टोरेज की कोई दिक्कत ही नहीं, कोई मसला नहीं है स्टोरेज का। मेरा एक और सवाल होगा कि होता क्या है ना एंड्रॉइड्स में, बेसिकली होता यह है कि कुछ वक्त के बाद एंड्रॉइड स्लो हो जाता है रैम की वजह से, क्योंकि एंड्रॉइड का प्रोसेसर जो भी रहे बट वो स्लो हो जाता है कुछ वक्त के बाद। तो इसका इसमें रैम कितना है जब आपने लिया था? 6GB RAM है इस फोन में, 6GB RAM है। ये लॉन्च हुआ था Realme 1, उसमें 6GB RAM है। और अब तक में आपको कभी दिक्कत आई जैसे कोई ऐप फंस गया हो, या आपको ब्राउज करने में कोई दिक्कत आई, या लैग कर रहा हो फोन, कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन के ऑनलाइन गेम्स भी इस पे खेले जा रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत इसमें। तो मतलब Realme 1 जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था, आप उस पे अभी भी PUBG खेल सकते हैं, PUBG जैसा गेम है। ये था इसका यूजर एक्सपीरियंस 2 साल का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये इंटरव्यू शॉट हुआ है हमारे कैमरामैन शकीब भाई के साथ, तो शुक्रिया आपका हमारा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। कैमरामैन शकीब अशरफ के साथ मैं सैयद अल्तमश हसन रिजवी अलविदा लेता हूँ।